जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सूरज कुमार पंडित, आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल SIS। क्या है बहुत सारे से मेरे पास मैसेज आ रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि यार तुम SIS कैसे ज्वाइन कर लिए, तुम्हें पता कहाँ से चला। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जिनको पता नहीं है कि SIS में हम लोग कैसे जुड़ पाए, इसकी नींव कैसे रखे कि हम लोग इसमें जल्दी जल्दी ज्वाइन करके कुछ पैसे कमा लें। SIS क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, इसका SIS का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, यानी सुरक्षा गार्ड। हिंदी में इसको सुरक्षा गार्ड जो है प्रोवाइड करता है कंपनियों को। और इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं, यानी मेरा जो है 1 मंथ जो है ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं अपने घर पे, जैसे कि देख रहे हैं मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं अपने घर पे हूँ। और इसकी सारी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो 1 मंथ 2 मंथ पहले आप लोग देखे होंगे पेपर में कि SIS की भर्ती चल रही है, यानी हर जिले के हर थाना पे भर्ती केंद्र था। वहाँ से मैंने फॉर्म अप्लाई किया और वहाँ पे एक टेस्ट होता है 30 नंबर का, जिसमें आप टेस्ट देकर उसे फिलअप कर सकते हैं। और वहाँ पे 350 रुपया का चलान लगता है जो आपको कटाना अनिवार्य है, और उसी चलान को आपको लेकर वहाँ पे SIS ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में जाना है, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा। और इसमें पैसा कितना लगता है ट्रेनिंग में, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको पैसा जो है टोटल 10,850 रुपया लगेगा ट्रेनिंग खर्चा। यानी टोटल इसमें जो है आपको ड्रेस दिया जाएगा, PT ड्रेस दिया जाएगा, शूज दिया जाएगा, और रहना खाना सब इसी में है, 10,500 में। यानी आप जो है 11,000 में 1 मंथ जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, तो ये कंपनी जो है SIS का यहाँ से आपको सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइड करेगा बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बिहार में। अगर आप जहाँ पे आपको चॉइस है जाने का, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो आपको ज़बरदस्ती जो है आपको बंगलोर ही भेज देती है, इसमें ऐसा बात नहीं है। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो आप जो है कमांडेंट सर से परमिशन लेकर कहिए कि सर मुझे बिहार में ही दिलवा दे, क्योंकि मैं वहाँ पे जाने का सक्षम नहीं हूँ, ठीक है? तो कमांडेंट सर क्या करेंगे कि आपको जो है जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा 1 मंथ का, आपको बिहार में कहीं पे भी शिफ्ट करवा देंगे जहाँ पे पोस्ट खाली होगा। इस तरह से जो है इसकी बहाली की प्रक्रिया है, जो आपको वहाँ से वहाँ तक भेजने में सारी सुविधा लगती है। और दोस्तों सबसे पहले ये बात आती है कि हम लोग जैसे ही 1 मंथ ट्रेनिंग कर लिए तो ये भेजते कैसे है? तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कमांड कटता है, यूनिट जैसे होता है सरकारी जॉब का, वैसे ही यहाँ पे यूनिट होता है कि आप इस यूनिट में जाइए, और वहाँ से जो है यूनिट वाले क्या करेंगे, आपको कंपनी में ले जाएंगे। 40 यूनिट, एक यूनिट में 40 लड़के चले गए, दूसरे यूनिट में 20 लड़के गए, तो वहाँ पे क्या करेगी यूनिट की, तो वहाँ पे आपको कंपनी पहले चूज करेगा कि कौन सी कंपनी को कितना लड़के चाहिए सिक्योरिटी के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे क्या करेगा यूनिट जो है एक दिन समय रखेगा और आपको वहाँ से वहाँ तक ले जाएगा इंटरव्यू कराने के लिए। वहाँ पे आपको इंटरव्यू में जैसे ही आप सेलेक्ट होइएगा तो आपको वहीं पे रख देगा। अगर आप उसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं उस यूनिट में, तो आपको दूसरे यूनिट पर भेज देगा, जहाँ से आप वहाँ पे जाकर फिर से इंटरव्यू दे सकते हैं। इस तरह से जो है आपको इंटरव्यू देकर कंपनी में रखवाया जाता है। अगर आप यहाँ पे साल भर जो है कंप्लीट कर लेते हैं परमानेंट यानी प्रॉपर तरीके से, तो आपको इसमें कोई भी असुविधा नहीं होगी। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो किसी कंपनी में जाते हैं, 1 मंथ में भाग आते हैं, 2 मंथ में भाग आते हैं, लेकिन फिर नहीं जाते हैं, तो उसका रेपुटेशन जो है ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी जाँच करती है कि ये लड़का जो है भगौरा तो नहीं है। ऐसा बहुत सारा लड़का होता है जो 1 मंथ के अंदर भाग जाता है, 2 मंथ के अंदर भाग जाता है। यार तुम काम करने गए हो तो कुछ दिनों रह के देखो,
कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो तब छोड़ो, कंपनी को एप्लीकेशन दो छोड़ने के लिए कि सर मैं ये जॉब नहीं कर सकता। इस तरह से जो है सारी प्रक्रिया होती है। दोस्तों अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू यानी क्या होता है SIS के सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर यानी जो भी होते हैं, मैं जैसे ही यहाँ से जाऊँगा वहाँ से आप सभी को इंटरव्यू के जरिए पता चलेगा कि SIS में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी होती है। और मेरे अनुसार मुझे कुछ पता चला है कि सिक्योरिटी गार्ड में सैलरी कितनी मिलती है और इसमें क्या क्या सुविधा मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मेडिकल सुविधा हो गया आपको मिलेगा, PF जो है कटेगा, PF कितना कटेगा, अगर आपका 14,000 सैलरी है तो उसमें से 12% कंपनी देगा और 12% जो है सरकार देगा, यानी टोटल जो है दो तरफ से आपका PF जो है कट कर वहाँ पे ऐड हो जाएगा पर मंथ का, यानी आपको 1400 रुपया कट रहा है तो वहाँ से फिर 1400 रुपया यानी 2800 रुपया पर मंथ जो है आपका PF में चला जाएगा। अगर आप रूम लेते हैं तो आपका रूम चार्ज लगेगा जो कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर कंपनी के प्रोवाइड रूम में आप रहते हैं तब आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, अगर आप अलग से रूम लेते हैं तो उसका चार्ज आपको खुद देना होगा। कंपनी जो है मेस का खाना नहीं देती है, अगर आप मेस में खाना खाते हैं तो आपका पैसा कटेगा, कंपनी का पैसा नहीं कटेगा इसमें। ऐसा सारा बहुत सारा जो है सुविधा है। और अधिक इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो SSCI जो है वहाँ पे लॉगिन करके इसके बारे में बहुत सारा जानकारी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा नीचे, जहाँ से आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मेरे दोस्त जो है पिछले बैच के जो लड़के हैं कुछ गए हैं बिहार, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, तो मैंने बहुत सारा बात किया और सैलरी के बारे में पूछा कि यार सैलरी कितना मिलता है, काम जो है क्या करना पड़ता है, कितने घंटे ड्यूटी देना पड़ता है। तो कुछ बंदे जो है बताए सही, कुछ गलत बताए, तो मैं आप सभी को कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि बिहार में जो है आपको ड्यूटी 12 घंटे कराई जाएगा, सब जगह नहीं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे 8 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ेगा। तो इसकी सैलरी जो होती है बिहार में कितना होता है, बिहार में दोस्तों आपको 12,000 मिलेगा 12 घंटा का, और दिल्ली में जैसे ही आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको सैलरी जो है कितना मिल सकता है, तो लगभग 14,500 के आसपास आपको सैलरी मिलता है, जो काट छाट कर आपको PF काट कर 12,500 आपके अकाउंट में डाला जाता है, और चेन्नई में 15,000 या 16,000 के आसपास मिलता है, और बंगलोर में जो है 16 के ऊपर एबव मिलता है आपके इंटरव्यू के आधार पर। आप जैसा इंटरव्यू दीजिएगा वैसा पेमेंट मिलेगा, और आप इसमें जहाँ पे भी ट्रांसफ़र होइएगा वहाँ के राज्य सरकार के अनुसार वहाँ पे पेमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप चेन्नई में 16,000 रुपया कमा रहे हैं तो बिहार में आपको 16,000 मिलेगा, यहाँ पे 12,000 भी मिल सकता है, 11,000 रुपया भी मिल सकता है, इसी के लगभग में मिल सकता है। तो और अधिक जानकारी जो है आप सभी को देता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा डिटेल्स में बताऊँगा, और मेरा पोस्टिंग जो है कहाँ पे हुआ है ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और किस पॉइंट में आपको अच्छा जानना है कमेंट करके बताइए, और कैसे जॉब चाहिए आपको ये भी बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे अभी ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी सारी जानकारी जो है आप सभी को देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए।